साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने सीरीज में 10 कदम सीरीज में ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी, भूगोल, भूगोल के 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी अनवरत चल रही है। ये सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी, ये सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो है आपको साढ़े 800 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। साथियों ये जितने क्वेश्चंस हैं इसमें आप एक बार इसको पढ़िए, हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और उसको रिवाइज कर लीजिए और किसी भी आने वाले एग्जाम में आप ज्योग्राफी पॉलिटिव हिस्ट्री से संबंधित जो 1 डे एग्जाम्स के लिए हैं और कहीं अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मोस्टली क्वेश्चन वहां से आपको ही मिल जाएंगे एग्जाम्स में। आइए देखते हैं, आज जनरल ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी जो वैकेंसी आई है हाई कोर्ट में, वैकेंसी आई है ग्रुप डी सी और लिपिक की और आपकी सीटेट की, तो उन सबके लिए भी और जितने 1 डे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस पर चर्चा करते हैं। जो जनरल कंपटीशन में आते हैं आपने, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी को क्या कहते हैं? तो दो चीजें होती हैं, एक उपसौर एक अपसौर। आपके नाम से ज्यादा दूरी हो जाती है तो ऐसे याद रखिए, उप का मतलब कम है, उससे कम। उप हमेशा जैसे प्रेसिडेंट उप प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, तो उप वाला कम होता है, अप वाला ज्यादा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तीन जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी सबसे कम होती है, उसको उपसौर कहा जाता है। और 4 जुलाई को अपसौर होता है, जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी सबसे अधिक होती है उसे अपसौर कहते हैं। ये कब होता है? 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई। तो ये याद रखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों। तो अप का मतलब ऊपर, उप मतलब तो छोटा हो गया, तो ऐसे याद रखिए। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन, तो ये बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर कहाँ पे स्थित है आपका? अलास्का के उत्तर में, उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है उसके, उसमें अलास्का जो है उसके उत्तर में स्थित है। तो ये एशिया के पूरब में है, अलास्का के उत्तर में स्थित है और ये रूस आपका रशिया जो है इसके तट पे आपका समझ लीजिए स्थित, रशिया और अमेरिका। अमेरिका अलास्का पे, अमेरिका ही कर का तो कब्जा है, तो रूस और अमेरिका इसके तट पे हैं। बहुत विशाल का है, 20 मिलियन मतलब 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी गहराई जो है औसत गहराई आपकी लगभग 1547 मीटर है, इसकी औसत गहराई इतने मीटर है। तो ये वहां पाए जाते हैं सबसे लंबे जलमग्न कैनियन इसमें पाए जाते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित सागर कौन सा है आपका? ये मृत सागर है, मृत सागर, जो बहुत बड़ा नहीं है, ये मात्र आपका 68 किलोमीटर लंबा, लंबा 18 किलोमीटर चौड़ा चौड़ा और 400 पृथ्वी समुद्र तल से 440 मीटर नीचा, निचला तल है, समुद्र तल से 440 मीटर नीचा है। इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है, उच्च घनत्व तो है, उच्च घनत्व तो के कारण क्या होता है? उच्च घनत्व तो के कारण
इसमें चीजें जो है आपकी डूबती नहीं है, इतना ज्यादा घनत्व है इसका कि कोई वस्तु इसमें डूबती नहीं है। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? टर्की को कहते हैं, तुर्की, इसको तुर्की कहते हैं आप। इसकी राजधानी अंकारा है, तुर्की जिसको टर्की भी कहते हैं, राजधानी अंकारा है, अंकारा। इसको जो दो इसमें क्या होता है, एशिया में भी है और ये यूरोप में भी, दोनों में है देश, तो इसलिए एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूरोप के भाग को, एशिया के भाग को इसे अनातोलिया कहते हैं, एशिया का भाग अनातोलिया कहलाता है, अनातोलिया। और यूरोप का भाग थ्रेस कहलाता है, थ्रेस। थ्रेस कहलाता है। लेटा हुआ ग्रह कौन है? यूरेनस को कहते हैं, अरुण जिसको कहते हैं आप, यूरेनस, इसको आप अरुण बोलते हैं, क्योंकि ये जो है सूर्य की परिक्रमा कहते हैं, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर करता है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा जो है, सूर्य की परिक्रमा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर करता है, एक पोल से दूसरे पोल की ओर, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर करता है, दूसरे ध्रुव की ओर करता है। इसके 27 उपग्रह हैं, 27 उपग्रह लगभग माने जाते हैं, और टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। और ये जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ, गैसों से घिरा हुआ ये जो ग्रह है हमारा, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ, गैसों से घिरा हुआ है। फिर है कोयला किस प्रकार की चट्टान में मिलता है? तो अवसादी, परतदार चट्टान जिसको कहते हैं, अवसादी परतदार चट्टाने होते हैं। अवसादी चट्टाने कौन कौन सी होती हैं? जो धीरे धीरे कोई भी चट्टाने होती हैं वो टूटती रहती हैं, हम जिनका अभ्रंश और अपरदन होता रहता है, टूटती रहती हैं और फिर वो वायु तथा जल के माध्यम से तलहटियों में जमा होते रहते हैं, और मिलियन एयर उसमें संक्रिया होती हैं, क्रियाएं होती हैं ताप और दाब की, तब वो फलस्वरूप उसमें क्या होता है, अवसाद जमा होते होते वो अवसाद, बहुत मिलियन एयर जब पुराने हो जाते हैं तो चट्टानों के रूप में विकसित हो जाते हैं, उन्हें हम अवसादी चट्टाने कहते हैं। तो कोयला की चार किस्में होती हैं आपको पता होगा, एक होता है आपका पीट होता है, एक लिग्नाइट होता है, एक बिटुमिनस होता है, एक एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लगभग 90% होती है, इसलिए वो जो होता है हमारा एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, और सबसे जो घटिया स्तर का माना जाता है पीट कोयला माना जाता है। अंगुलहार धारक विभाजित करने वाला द्वीप कौन सा है? तो ये जो है हमारा मेडागास्कर, मेडागास्कर। दोनों धाराएं कहाँ स्थित है? दोनों हिंद महासागर, हिंद महासागर में स्थित है, तो ये दो भागों में इसको विभाजित कर देता है मेडागास्कर। दोनों कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। मेसावी रेंज किससे संबंधित है? लौह अयस्क के खनन किससे, लौह अयस्क के खनन से संबंधित है।
कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, मिनेसोटा। मिनेसोटा ये कहाँ स्थित है? सुपीरियर झील के पास। फेमस झील है आपके, जो फाइव ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर झील और दुलुत के बीच में लगभग स्थित है। झील के दुलुत जो है झील के पास। तो ये कब से इसका खनन हो रहा है? 1901 से खनन है इसका, इस बीच से लगातार खनन। लो इसका होता है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेनांग को, पेनांग। से मलेशिया की सिलिकॉन घाटी पेनांग को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक्चुअल में क्या अर्धचालक होता है, तो जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है हमारा, तो वो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, असेंबलिंग है और आपके उससे रिलेटेड, जैसे भारत में जो आपका बंगलोर है, उसी तरह मलेशिया के सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? पेनांग को कहा जाता है, फेमस है पेनांग। स्पेन की मुंबई किसे कहते हैं? ये बार्सिलोना को कहते हैं। किसे कहते हैं? बार्सिलोना को कहते हैं स्पेन की मुंबई, क्योंकि जैसे मुंबई भारत का क्या है, आर्थिक राजधानी समझिए है, वैसे ही स्पेन में बार्सिलोना जो है आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, सबसे बड़ा शहर है इसका समझ लीजिए, और आबादी भी सबसे ज्यादा है और विकसित भी सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसे स्पेन की मुंबई कहा जाता है। तो साथियों ये रहे आज के हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा है आपको समझ में आए होंगे, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और हमारे 10 कदम सीरीज जो है, बहुत बड़ा वीडियो इसलिए नहीं होता है, आप आसानी से 10 मिनट दे करके इसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और आपके परीक्षा की दर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये हमारी सीरीज 850 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। आप कैलिबर अड्डा में जाइए, 10 कदम सीरीज विजिट करिए, मेरे डेली करंट अफेयर देखिए, इंग्लिश हिंदी की क्लासेस देखिए, इंग्लिश की क्लासेस देखिए और साइकोलॉजी क्लासेस देखें, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, आपका कैलिबर अवश्य एनहांस करेगा। अगर आप चैनल विजिट करेंगे तो आप निराश अवश्य नहीं होंगे, और कोई अगर आपको गलती लगे, कोई कम अगर आपको कोई उसमें कमी लगे, तो आप अवश्य हमें सजेशन दीजिए, कमेंट करिए, हम उस पर अवश्य अमल करेंगे। सुधार मानव की अनवरत प्रक्रिया है, और जो आप सुधार जो आप सजेशन देंगे हम उस पर अवश्य अमल करेंगे। साथियों हमारे साथ बने रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करिए। जय हिंद साथियों।